हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम भुतेश्वर स्टेशन पे आ चुके हैं और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं ब्रज की फेमस लोकेशन पे। तो आज है मेरे साथ मेरा फ्रेंड नरेश। हाय दोस्तों, आए आज घूमने के लिए और चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या देखते हैं आज ब्रजनगर एरिया में। तो गाइस, अभी दोपहर के करीब 1 बज चुका है, अभी आपको भुतेश्वर स्टेशन के बाहर चल के बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो अभी हमें निकलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका है क्योंकि आज बहुत सारी लोकेशन पे विज़िट करने वाले हैं। बाहर आके पता किया है कि करीब यहाँ से 500 मीटर चलना पड़ेगा, तो आगे जाके रक्षा वगैरह या फिर ऑटो वगैरह मिलेगा। तो आज हम प्रेम मंदिर, यमुना घाट और फॉरनर टेम्पल जाने वाले हैं। तो अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि जाना कहाँ है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कौन सी लोकेशन हमारे एकदम पास में है। वो ऑटो वगैरह, ऑटो वाले से बात करेंगे तो फिर वही बताएंगे कि हमें पहले कहाँ जाना है। तो गाइस, फाइनली हमें ऑटो वगैरह मिल चुका है, तो अभी हम यमुना घाट के लिए निकल चुके हैं। तो आगे चल के आपको यमुना घाट का व्यू वगैरह दिखाते हैं। गाइस, अभी हम ऑटो से उतर चुके हैं, सामने है हमारे यमुना नदी। सामने यमुना जी कृष्ण कांड जी है, दुर्गा सर इसी का मंदिर है, सामने उसका मंदिर है, दर्शन कराए लेके आते हैं आराम से। तो गाइस, अभी हम वासुदेव घाट पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वासुदेव घाट है। तो सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है, इधर से ही वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में डाल के लेके आए थे। और ये है यमुना नदी। तो अभी हम बोटिंग वगैरह कर रहे हैं और अभी आगे चल के आपको लोकेशन के बारे में बताएंगे। और आज है हमारे साथ पवन, बोटिंग वाले पवन निषाद, लाइक कमेंट करिए। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये गुलाबी कलर में महल, और ये वो महल है जहाँ श्री कृष्ण ने कंस मामा को मारकर विश्राम किया था। तो इसको विश्राम घाट भी बोला जाता है। बताया जा रहा है कि भैया दूज वाले दिन भाई और बहन दोनों हाथ पकड़ के स्नान करते हैं, तो उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। अभी तो काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। तो ये है चारों तरफ का व्यू, यमुना के बीच में हम इस टाइम आ चुके हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मौसम भी कितना ज़्यादा अच्छा हुआ पड़ा है। और ये है पवन जी जो बोटिंग चला रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लग रही इसमें। अब पवन भैया जी ये खड़े होके बोटिंग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अभी इसको एक साइड से चलाएंगे ताकि इसका पानी के बहाव के दूसरी साइड इसको मोड़ना है। तो ये देखिए पवन भैया मोड़ रहे हैं इसको, बोट को किस तरीके से। नरेश का हो रहा है फोटो शूट। और ये है नरेश, कैसा लग रहा है भाई? एकदम नाइस, कूल। तो दोस्तों, हम बोट में घूम रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली। और तेजपाल मेरे पीछे खड़े हुए हैं। और जब ये अब यहाँ पे पानी की जो गहराई है वो थोड़ी सी कम है। तो अभी अभी भैया बता रहे हैं कि कोई यहाँ पे दुकान वगैरह लगी हुई होती है पानी में, तो काफ़ी भैया स्ट्रगलिंग काफ़ी करते हैं इसमें, मेहनत काफ़ी हार्ड वर्किंग है मैन। और इसके लिए सैल्यूट है ब्रो के लिए। और आप व्यूज़ तो देख रहे हैं काफ़ी, कितना अच्छा आ रहा है। और तेजपाल जी कुछ दसो जी। सामने करीब 500 मीटर दूर एक दुकान आ रही है जो कि यमुना नदी के बीच में बनी हुई है। तो दिखाते हैं कैसे नदी के बीच में एक छोटी सी दुकान बनी हुई है। तो वहाँ से अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर कुछ खरीदेंगे और आपको दिखाएंगे। चाय भी मिलती है भैया, पवन भैया बता रहे हैं चाय भी मिलती है वहाँ पे। सो गाइस, तुम भी आ जाना, हम तुम्हें भी चाय पिला देंगे। श्री कृष्ण जी का यहाँ रास्ते में एक मंदिर है। और ये देख लीजिए, अभी भैया बोटिंग को रोक रहे हैं। भैया लाइक जरूर कर दिया करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे, अभी खुले नहीं। गाइस, ये आप देख सकते हैं, यमुना जी माता जी का मंदिर है और श्री कृष्ण जी का। गाइस, अभी हमने मंदिर वगैरह के दर्शन कर लिए हैं, तो अभी हम फिर से अपनी बोट के पास आ गए हैं। तो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट लोकेशन पे। गाइस, ये है कंस मामा का महल, जो कि कंस मामा ने अपनी बहन के 6 पुत्रों को यहाँ पे मारा था के अंदर ही मारा था। गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना महल है। वो बताया जा रहा है करीब 5,500 साल पुराना ये महल है।
तो अंदर से तो गाइस ये खंडर हो चुका है, बाहर से बस इसकी दीवारें ही खड़ी हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं जो रेड रेड सा दिख रहा है। तो भैया बता रहे हैं कि अभी पानी का बहाव हवा की वजह से बिगड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से हम उधर नहीं जा पाएंगे। तो अभी यहाँ से दूर से ही आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो हमारे पवन भैया ने तेजपाल के लिए बोट को दे दिया चलाने के लिए, और ये चला रहा है। अब आप हट जाओ भैया, नीचे नीचे निकल जाएगा। तो तेजपाल बोल, कुछ तेजपाल कुछ कैसा लगा? नहीं जाने, बहुत ज्यादा हार्ड है ये, बोलो जो जितना देखने में इजी लग रहा था उतना है नहीं, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। तो अभी तेजपाल को वहां से ड्राइव करने से हटा दिया है क्योंकि इसके पास लाइसेंस नहीं था। तो अभी हमारे एक्सपर्ट भैया पवन भैया बैठेंगे, बोलिएगा कुछ। तो पता है कौन सी दिशा में लेके जा रहे हो नाव को? भाई समझ में ना आ रहा है। चलो मैं पकड़ कर लूंगा। सो गाइस अभी हमारा बोटिंग वगैरह करना कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं। तो भैया आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, शेयर करो। पवन निषाद, पवन निषाद नाम से। कभी अगर आप आते हो तो ज़रूर भैया के साथ कांटेक्ट करो। मिलते हैं, बाय बाय।